रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज मॉडल टाउन में कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। जहां पर अभी हम सब आपके साथ बैठे हैं, इसी घर में तहरीके निजात जब चल रही थी, 1993 की बात कर रहा हूँ, परवेज साहब को याद होगा, यानी मेरे 80 साल दादा मरहूम को पुलिस उठा के ले गई और मैं उस वक़्त बच्चा था। फिर गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट था मैं और मेरे मरहूम चचा अब्बास शरीफ साहब 6 महीने जेल काट के आए और अदालत ने, अदालत जमानतें देती है, बरी करती है, मेरा केस क्वाश किया, उन्होंने कहा ये तो इसकी उम्र ही नहीं थी, इसको मुकदमे में 6 महीने जेल रखा। तो कारकुनों, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, 10 साल मुशर्रफ के जिस कारकुन को उठाया जाता था थानों में, उस पर तशद्दुद किया जाता था, और आज भी मुझे याद है ये परवेज रशीद साहब, इनको गिरफ़्तार किया गया, हमारे कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया और उनके छोटी बच्चे और बच्चियां जब पुलिस दीवार फलांग कर चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल कर कर घरों में घुसती थी, रात के वक्त जब बच्चे सो रहे होते थे अपने बाप से अपनी माँ से लिपट कर, और जब घसीटते हुए डंडे मारते हुए कारकुनों को लेके जाती थी, तो वो बच्चे जो अपने बाप को इस तरह देखते थे वो ज़हनी मरीज बन गए। मैं ऐसे कई घरों को जानता हूँ। तो कारकुनों, आपकी कुर्बानियों को मैं सलाम पेश करता हूँ, सलूट लेता हूँ। मेरी बात सुनो, अभी नारा ना लगाएं, अभी नारा ना लगाएं। फिर 4 साल बदतरीन इंतकाम, हमारे कायद को जेल में डाला, शायद अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, सलमान रफीक साहब, हाफिज मियां नुमान साहब, हनीफ अब्बासी साहब, किस किस का जिक्र करूं मैं, और कहा कि ये सबको मैं जेलों में डाल दूंगा। बदतरीन इंतकाम जो कभी मुशर्रफ दौर से भी हदें पार कर गया, ये इंतकाम जो है, सुबह शाम इस आदमी का एक ही काम था कि शरीफ फैमिली को गिरफ्तार करो, मुस्लिम लीग नून के लोगों को गिरफ्तार करो। कई कई महीने लोग पाबंदे सरासल रहे। इमरान नियाजी, आज कौम पूछती है, वो तुम्हारे दो रतन जो कहते थे कि 200 अरब डॉलर आएगा, वो 200 अरब डॉलर क्यों नहीं आया? तुमने सारी ऑपोजिशन को जेल में डाल दिया। आज अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि जब ये शख्स आया जो रियासत मदीना का झूठा दाई बनता है, इसने आते ही किया ये गरीबों के झोंपड़े गिरा दो, ये गरीबों की दुकानें गिरा दो, ये नजायज तजावजात हैं। बंदा पूछे कि जो बनीगाला का महल तुमने खड़ा किया है, जो सबसे बड़े नजायज तजावजात का केस सुप्रीम कोर्ट में आया, तुमने लाखों में वो नजायज तजावजात को रेगुलराइज कर लिया, वो गुनाह जो है वो सवाब बन गया, और गरीब की झोंपड़ी जो सारी उम्र की कमाई उसकी थी तुमने उसको गिरा दिया, तो क्या ये रियासत मदीना है? अब ये कहता था तलाशी दो नवाज शरीफ, तलाशी दो शहबाज शरीफ। 4 साल जेलों में, अदालतों में पेशियां भुगत रही आपकी क्यादत, कोई बात नहीं, मुश्किल वक्त आता है अल्लाह काट देता। मैं आज मुस्लिम लीग नून की क्यादत की, कारकुनों की, जेलों की तस्करा नहीं करना चाहता, मैं इससे ये पूछना चाहता हूँ, इमरान नियाजी तुमने हमसे इंतकाम लेना था, कोई बात नहीं, लेकिन इस चक्कर में तुमने पाकिस्तानी अवाम को महंगाई की चक्की में पीस दिया। बच्चे रात को, आप भी बच्चों वाले हैं ना, रात को जब बच्चा दूध के लिए रोता है तो कलेजे को हाथ पड़ता है कि नहीं, जल्दी से दूध दे। आज अपने दिल पे हाथ रख के बताओ
कि रात को कई बच्चे जब रोते हैं तो माँ बाप के पास झूठी तसल्लियों के अलावा उसको दूध देने के लिए कुछ नहीं होता। आज बच्चे बच्चे रात को भूखे सोते हैं, दिहाड़ीदार मजदूर आप देखते हैं सड़कों पर बैठे होते हैं, उनकी आंखें कभी देखी हैं? कोई बुलाता है दिहाड़ी के लिए तो उनकी आंखों में चमक आ जाती। आज वो दिहाड़ीदार मजदूर सुबह बैठता है, रात को खाली हाथ लौटता है, बच्चे उसके कपड़े नोचते हैं कि अबू खाना कहाँ है। इमरान नियाजी, तुमने ऐसे नए पाकिस्तान को दिया जहाँ पर आज दिहाड़ीदार भी घर वापस जाता है तो उसकी आंखों में टप टप आंसू होते हैं कि बच्चों के खाने खिलाने के लिए दिहाड़ी नहीं बनी। किसान, मैं साउथ गया कई मर्तबा, मुझे लोगों ने पकड़ के कहा, किसानों ने, कि मियाँ साहब खाद नहीं मिलती यहाँ पर, और ये कहता है कि खाद वाफर मकदार में मौजूद है। इसको मैं कहता हूँ, नियाजी साहब उतरो बनी गाला के ऊंचाइयों से, अपनी अना के पहाड़ को तोड़कर गली मोहल्लों में आवाम का हाल पूछो तो लोग तुम्हें बताएंगे कि तुमने अल्लाह की मखलूक के साथ कितना जुल्म किया। फिर तलाशी की बात करते हो, वो हमने तो तलाशी दे ली। ब्रॉडशीट का वो जो आदमी है मौसवी, उसने बयान दे दिया, माफ़ी मांग ली कौम से, नेशनल क्राइम एजेंसी यूके की। ये जो केस आज चल रहे हैं, आज भी मैं पेशी भुगत के आया हूँ, वो लंदन की क्राइम एजेंसी ने कहा कि 22 महीने मेरे भाई का अकाउंट मुंजमद रखा कि जी इंक्वायरी हो रही है। उन्हें 22 महीने बाद कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ एक पाई की मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई। तो मैं बात यहाँ पर अपनी ख़त्म करूँगा कि कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि मैं जिसे इज्जत देता हूँ, अल्लाह क्या कहता है, मैं जिसे इज्जत देता हूँ उससे इज्जत कोई छीन नहीं सकता, और मैं जिसके मुकद्दर में जिल्लत लिखता हूँ उसे कोई इज्जत दे नहीं सकता। तो नियाजी साहब, ये सियासी दाव पेश तो चल रहे होंगे, लेकिन मैं एक कारकुन के नाते बताऊं, ये सियासी पकड़ नहीं है, तुम अल्लाह की पकड़ में हो। तुमने इन पाकिस्तान के नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देकर लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। तुमने 50 लाख घर का ढोंग रचाकर लोगों के घर गिरा दिए, लोगों को बेघर कर दिया। आज हेल्थ कार्ड जो मुस्लिम लीग नून का इनिशिएटिव था, आज बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में लोग हेल्थ कार्ड लेके जाते हैं तो लोग कहते हैं हमारे पास दवाइयां नहीं, अस्पताल में जाओ बाहर से दवाइयां खरीदो, दरबदर हो रहे हैं मरीज। कैंसर की दवाइयां जो शहबाज शरीफ ने मुफ्त कर दी थी, आज कैंसर के मरीज दरबदर रुल रहे हैं। डायलिसिस मुफ्त हुआ करता था। आज 74 साल में जो पाकिस्तान का हाल कभी नहीं देखा ना सुना, आज ये कौम अजाब में मुब्तला है। ये सही कहता था कि सुनामी आया है, इसको कोई काम में बता देता कि सुनामी तो तबाही का नाम है। एक सच बोला इसने जिंदगी में कि सुनामी लेके आएंगे, और ये पाकिस्तान में 4 साल में मईशत की तबाही, कानून इंतहा का अंदरूनी खलफशार, गलीज जुबान जलसों में इस्तेमाल करता है, कभी कहता है मेरे बंदूक के निशाने पर शहबाज शरीफ है, कभी कहता है मैं सड़कों पे घसीटूंगा, जेलों में डालूंगा। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। आज आपको मिलने का मकसद यह है, आज आप सबको मिलने का मकसद यह है, सियासत को अलग कर दें, जमात की तरजीहात को अलग कर दें, और अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बताएं कि आज बच्चों की भूख, मजदूर की बेरोजगारी, एक बेटे की बेबसी, जो अपनी बीमार मां जो बिस्तरे मर्ग पर पड़ी उसकी दवाई नहीं खरीद सकता, आज मईशत जो आईसीयू में है, सिसकियां ले रही है, ये वही मईशत है
जो नवाज शरीफ के दौर में 5.8% पर हम छोड़कर गए थे। और मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तानी अवाम की तवस्त से इमरान नियाजी को, 3200 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, 3200 अरब के मंसूबे नवाज शरीफ के दौर में सीपैक, लाहौर मुल्तान मोटरवे, शक्कर मोटरवे, हासिलपुर भावलपुर रोड, खानेवाल लोधरा रोड, ये PKLI पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने थाने कचहरियां जेलें भुगत ली। एक पाई की करप्शन मुस्लिम लीग नून की क्यादत खिलाफ नहीं निकली, लेकिन ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का कानून है कि जो इल्ज़ाम ये हम पर लगाता था झूठे, आज अल्लाह की कुर्बान जाऊं, वो जो फॉरेन फंडिंग केस है इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के पास, चीख चीख कर कह रहा है कि इमरान नियाजी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इमरान नियाजी ने अपने अकाउंट छुपाए हैं, टी बॉयज के नाम पैसे मंगाए और अपने दस्तखत से स्टेट बैंक को अपने अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं किए। ये कौम ने तो अदम एतमाद बहुत पहले कर दिया था और आज कौमी असेंबली में अदम एतमाद किया तो ये कहता था ना घबराना नहीं, वो आज तुम्हारी टांगे क्यों कांप रही हैं? आज